सबसे बड़ी बोगस कॉर्नर के हॉल है, क्योंकि आपकी भी जो डिमांड थी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। पहले हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट, पहले बोगस कॉर्नर का आपको टैग मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और टैग देख सकते हो, लिखा हुआ है टोकी डोकी। टोकी डोकी एक ब्रांड है जो की जैपनीज लाइफ स्टाइल से इंस्पायर्ड है। ब्लैक कलर का पूरा स्वेटशर्ट है, मल्टीपल जगहों पर आपको ना स्टिचिंग्स के थ्रू डिटेलिंग्स देखने को मिलेगी, और ये सारी स्टिचिंग्स हाइलाइटेड है जिसमें आपको हाई नेक देखने को मिलता है। ये हेम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और बहुत कम ऐसे स्वेटशर्ट्स हैं ना जो इस तरह के ना ऑर्गेनिक पैटर्न में आते हैं। सेंटर चेस्ट पे आपको एक बड़ा सा प्रिंट देखने को मिल जाएगा, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही यहाँ पर आपको कैंगरू पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, और उस कैंगरू पॉकेट के ऊपर भी ना आपको एक रॉक स्टार जैसा ना प्रिंट देखने को मिलता है। बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है पंक स्टार टोकी डोकी, जो की टोकी डोकी के एक बैंड से इंस्पायर्ड है। इनके हर प्रोडक्ट के अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने डिस्क्रिप्शन होते हैं, और ये सारी डिटेल्स ना आप जाकर इनके वेबसाइट में देख सकते हो। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई बोंगस कॉर्नर। नीचे में आपको हेम मिल जाएगा, हैंड में आपको कफिंग मिल जाएगी। अंदर की अगर बात करें, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का फर देखने को मिलता है। बाकी अगर पीछे देखोगे तो पूरा प्लेन देखने को मिलता है, कोई भी प्रिंट नहीं है, और सिर्फ लेफ्ट स्लीव पे आपको बोंगस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि सिर्फ आउटलाइन वर्क है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, एंड डेफिनेटली क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक अच्छे ब्रांड से अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। यहाँ पर आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरी बॉडी में आपको फिटेड टाइप का ना लुक देखने को मिलेगा। अभी आपने स्कूल का ब्लैक बोर्ड देखा होगा, उसमें कैसा टेक्सचर होता है, उस टाइप का टेक्सचर है, काइंड ऑफ डेनिम जैसा टेक्सचर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत रॉ लुक आती है इससे। सेंटर चेस्ट पे आपको बड़ा सा प्रिंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ टाइगर नेशन और बीच में एक बड़ा सा टाइगर बना हुआ है। अब एग्जैक्टली अगर इस कैरेक्टर का कुछ मीनिंग है उससे मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा, लेकिन एक चीज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो है इसकी क्वालिटी। एक्चुअल में ना प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें फैब्रिक की भी जो क्वालिटी है ना उसमें आपको डिफरेंस फील होगा भाई, बहुत ज्यादा हेवी है। और बैक में आपको सिर्फ और सिर्फ पफ प्रिंट के थ्रू यहाँ पर बोंगस कॉर्नर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट वाले स्लीव पे भी यहाँ पर आपको बोंगस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और बहुत बड़ा ही ना स्केची टाइप का ना इसे प्रिंट किया गया है, खूबसूरत डिजाइनिंग है। बोंगस कॉर्नर का टैग मिल जाएगा, टोकी डोकी का टैग मिल जाएगा। इतनी सारी क्वालिटी के बाद ना ये टी शर्ट महज आपको 799 में मिलने वाला है, जो की इस क्वालिटी के हिसाब से मैं एक अच्छी प्राइसिंग कहूंगा। नेक्स्ट टी शर्ट है भाई मेरे बचपन का और इस पूरे हॉल का ना वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट। व्हाइट कलर का टी शर्ट है, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है, आप सबको पता है। लेकिन इस टी शर्ट की खास होने की बात ये है, ये टी शर्ट भाई पोकेमोन के साथ कोलैबोरेटेड टी शर्ट है। यहाँ पर बोंगस कॉर्नर का टैग मिल जाएगा, और ये सारे टी शर्ट्स ऑफिशियली कोलैबोरेटेड है। प्रिंट्स की अगर बात करें तो सेंटर चेस्ट पे आपको एक पोकेबॉल देखने को मिल जाएगा, और आई थिंक यही लिखा होगा यहाँ पर जैपनीज में, मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा। दोनों स्लीव्स पे आपको ऐसे रेड रेड कलर के ना दो पट्टियां देखने को मिलेगी, और बैक में आपको मिलता है ऊपर में पोकेमोन का लोगो या पूरा उनका जो नेम है, और नीचे में एस और पिकाचू यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब देखने से ना एक फेस में अच्छी सी स्माइल आ जाती है। इनके जो प्रिंट की क्वालिटी या जो ग्राफिक्स है ना, इवन इसके शैडोज, वो बहुत ज्यादा अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। पूरा टी शर्ट कॉटन का बना हुआ है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। सीधी सी बात है, अगर आप एक फैन बॉय हो पोकेमोन का, भाई लिटरली मेरे पास अभी भी ना पोकेमोन गो पड़ा हुआ फोन पे, मैं कभी कभी खेलता हूँ, मुझे खेलने का ना बहुत मन करता है। आप मुझे बताना अगर आप खेलते हो तो आपका लेवल कौन सा है अभी। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, और खूबसूरत सा ब्लैक कलर का टी शर्ट, जहाँ पर राउंडिंग मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, मेनली गेम जो है वो है प्रिंट का। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो एक्चुअली प्रिंट नहीं बल्कि एम्ब्रॉयडरी का यूज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी बात है। अभी ऑलमोस्ट जितने भी टी शर्ट या जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं ना टी शर्ट के, सब में क्या गेम है, बस प्रिंट का गेम है। एम्ब्रॉयडरी के थ्रू यहाँ पर आपको दो स्कर्ल्स देखने को मिलेगा, और भाई दोनों स्कर्ल्स का टकला क्रैक है, हैरी पॉटर का टकला तो नहीं गई, और ये दोनों स्कर्ल्स मिलकर ना एक हार्ड सा शेप बना रहे हैं। बैक में आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ इसके स्लीव पे आपको टोकी डोकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, वो भी पिंक कलर में है, ब्लैक के ऊपर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है अच्छे से। बाकी सिंपल सा टी शर्ट हैवी फैब्रिक है, यहाँ पर आपको क्वालिटी फील होगी। इस टी शर्ट की प्राइस अराउंड 700 रुपए है, और ऑलमोस्ट कोई 800 के होंगे या जो भी होंगे, आप जब भी पहनोगे आपको वो जो प्रेजेंस है ना डिजाइनिंग का वो फील होगा, और भाई सच बताऊं तो अच्छे होते हैं टी शर्ट। नेक्स्ट एक खूबसूरत सा ग्रे कलर का टी शर्ट, और ये प्रॉपर बोंगस का टी शर्ट है। सारे प्रोडक्ट में उनके प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम हुडेड गैंग ओवरसाइज टी शर्ट। अपने अपने सारे टी शर्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे ना इन टी शर्ट को डिजाइन किया गया है। ऊपर में आपको बोंगस लिखा हुआ मिल जाएगा, और नीचे में एकदम गैंग वैंग टाइप का बनाया हुआ भाई। साथ ही प्रिंट में भी ना थोड़ा सा रेट्रो टच दिया गया है, तो इनकेस अगर आपके पास आए आपको लगे भाई ये क्या छोटा छोटा प्रिंट दे दिया हमें, तो वैसा नहीं है, ये डिजाइन का पार्ट है। बैक में आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा खूबसूरत टी शर्ट है, बहुत हैवी नहीं है, 190 जीएसएम के आसपास का टी शर्ट है, एंड डेफिनेटली भाई हंस के जा सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टी शर्ट हम देख रहे हैं ना, मेरी लाइफ का वन ऑफ द हैवीएस्ट टी शर्ट है। यहाँ पर आपको बोंगस कॉर्नर का टैग मिल जाएगा, और इसका नाम है भाई ब्लैक प्रीमियम हैवी वेट फेडेड ओवरसाइज टी शर्ट। और ये हैवी वेट भाई इतना हैवी है ना कि
मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पर आपको राउंड नहीं मिलता, शॉर्ट स्लीव मिलता है, कोई भी प्रिंट नहीं मिलता, वही डेनिम वाली थोड़ी सी फेडेड टाइप की फिनिशिंग है इसमें। बैक में भी आपको वही सेम मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक ऑफ प्रिंटिंग छोटा सा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉन्कर्स, और एक हेलमेट बनाया गया है। लेकिन जो फैब्रिक है ना भाई, स्वेटशर्ट के लेवल की है। लिटरली ये टी शर्ट 330 GSM का है, क्रेजी भाई क्रेजी। देखो ये टी शर्ट की प्राइसिंग 1200 रुपए के आसपास की है, और 1200 रुपए के हिसाब से ना भाई मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे इस क्वालिटी की टी शर्ट मिल रही है तो। ये कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, वापस से याद दिला दूं, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बॉन्कर्स कॉर्नर। साथ ही आपको याद दिला दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे हॉल्स किए हुए बॉन्कर्स कॉर्नर के, और हर बार मेरी एक छोटी सी शिकायत उनसे यही रहती थी कि थोड़ा सा फैब्रिक और हेवी बनाइए, थोड़ा सा और फैब्रिक को हेवी बनाइए ताकि और अच्छा आपका प्रोडक्ट निकल कर आए, और ये जो काम किया Hats off to them. All right, next हम देखें एक और खूबसूरत सा स्वेटशर्ट। देखो, अगर आपको चाहिए हुडीज, आपको चाहिए और जैकेट्स वगैरह वाले कलेक्शन, हमने ऑलरेडी बहुत सारे हुडीज, जैकेट्स, जैकेट्स के वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर। बॉन्कर्स कॉर्नर का टैग मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम है टोकी डोकी एलिमेंटल स्वेटशर्ट। यहाँ पर टोकी डोकी का अगेन आपको टैग मिलता है, दो कलर में जिली इसमें आपको देखने को मिलेंगे, व्हाइट एंड ब्लू। सेंटर चेस्ट पे आपको वही दिल देखने को मिलेगा विद द क्रॉस हड्डी। ये थोड़ा थोड़ा ना मेरे को एमी पेरिस के लोगो जैसा दिखता है, वो बहुत प्रीमियम ब्रांड है। नीचे में आपको हेम मिलेगा, अगेन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू का काम किया गया, और हेम की जो साइजिंग है ना बहुत ज्यादा चौड़ी है। नेक में और स्लीव के कफ्स में भी आपको यही डुअल कलर वाला काम देखने को मिलेगा। डिजाइनिंग की अगर बात करें तो बैक में तो वैसे कोई डिजाइनिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो पूरी डिजाइनिंग इनके स्लीव्स में की गई है, दोनों स्लीव्स पे आपको एम्ब्रॉयडरी के थ्रू टोकी डोकी के ना एलिमेंट्स डिजाइन देखने को मिलेंगे। अलग अलग से कैरेक्टर्स हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स एम्ब्रॉयडर्ड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और ये आपको मिल जाएगा महज 1100 रुपए के आसपास। और एक खतरनाक बात बताऊं, ये वाला स्वेटशर्ट 320 GSM का है, इससे पहले वाला जो हमने टी शर्ट देखा वो 330 GSM का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगेन खूबसूरत सा बॉन्कर कॉर्नर का टी-शर्ट, पूरा फैब्रिक एकदम लाइट नॉर्मल टी-शर्ट जैसा है। राइट साइड पे आपको बॉन्कर्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, व्हाइट कलर की, नीचे थोड़ी और टेक्सचर ग्राफिक प्रिंट की गई है। दूसरी तरफ आपको जो आंगला टेढ़ा टाइप का अजीब सा दिख रहा है ना, अगर आपने कभी गेम खेला हो रेस का, वहां पर जो आपका मैप होता है ना, वो एक रोड मैप यहां पर बनाया गया है, और उसके नीचे एक बड़ा सा F1 कार यहां पर डिजाइन किया गया है। पूरा आउटलाइन का वर्क है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बैक में आपको और कोई प्रिंट नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और अगर कैमरे में आपको लाल लाल दिख रहा है, बहुत लेस सैचुरेटेड रेड है, अच्छा फील होगा। इसकी प्राइसिंग अराउंड 700 रुपए के आसपास की है, और ये 200 GSM में बना हुआ है, स्टिल हेवी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम टी-शर्ट देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा प्रिंटेड टी-शर्ट। बॉन्कर्स कॉर्नर का आपको टैग मिल जाएगा, टोकी टोकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस वाले टी-शर्ट का नाम है भाई डेथ राइडर। यहां पर इसकी प्राइसिंग है 1299, आपको पे नहीं करना है। पूरा टी-शर्ट पर्पल कलर का है, और इसके ऊपर में आप जो छोटे-छोटे कैरेक्टर प्रिंट्स देख रहे हो ना, वो पूरा लाइलैक कलर में है। एक खूबसूरत सा एलिमेंट ऐड कर रही है, लेकिन ये मैं मानूंगा कि लड़कियों के साइड में थोड़ा ज्यादा ही जाता है। अगर प्रिंट्स की बात करें तो राइट चेस्ट पे आपको एक एडियोस करके लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, बाकी छोटे मोटे और प्रिंट्स हैं। और दूसरी साइड में आपको एक पैचवर्क मिलता है, जहां पर अगेन एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो डेथ राइडर को बनाया गया है, खूबसूरत लग रहा है। और बैक में देखोगे तो यही प्रिंट आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर लड़कों को पसंद आ रहा है किसी को तो वो ले लो, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है स्टिल ना लड़कियों के लिए ज्यादा बेटर चॉइस है। बाकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉटन का पूरा टी शर्ट है, 200 GSM का टी शर्ट है, एंड डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट टी-शर्ट आ गया हमारे पास में, एक और खूबसूरत सा ब्लैक कलर का टी-शर्ट। बॉन्कर्स कॉर्नर का टैग मिल जाएगा, नाम है इसका द वर्ल्ड वॉरियर ओवरसाइज टी-शर्ट। यहाँ पर अगर देखोगे तो राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, ब्लैक कलर का पूरा टी-शर्ट है। सेंटर चेस्ट पे आपको एक बड़ा सा प्रिंट देखने को मिलता है, और ये कैरेक्टर थोड़ा सा मेरे को स्ट्रीट फाइटर जैसा लग रहा है। ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन स्किन के जो कलर्स भी है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। नीचे फाइट लिखा हुआ है, एक स्लीव पे आपको जैपनीज में कुछ लिखा हुआ मिलता है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दूसरे स्लीव में भी वही है, और बैक में आपको एक बड़ा सा बॉन्कर्स कॉर्नर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट उन्होंने स्ट्रीट फाइटर जैसा फॉन्ट पे ही ना इसे बनाया है। बाकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, 100% कॉटन से बना हुआ है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टी-शर्ट जो हम देख रहे हैं, वो है भाई अगेन बॉन्कर्स कॉर्नर की तरफ से आने वाला टी-शर्ट, जिसका नाम है ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी ओवरसाइज टी-शर्ट। ये थोड़ा सा ना जर्सी टाइप का टी-शर्ट है। यहाँ पर आपको मेजरली दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लू एंड ब्लैक। रेगुलर स्लीव यहाँ पर डाला गया है, राउंड नेक तो मिलता है, ये ब्लैक कलर का उसमें बॉर्डर है, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका स्लीव, और ये पूरा यहाँ तक कट के आता है। ये वाला शोल्डर वाला पार्ट पूरा अटैच होता है, इसे बोलते हैं रेगुलर स्लीव। यहाँ पर देखोगे तो सेंटर चेस्ट पे आपको ड्रॉप आउट लिखा हुआ मिल जाएगा यूनिवर्सिटी, लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक लोगो जैसा देखने को मिलता है, और बैक में यहाँ पर बॉन्कर्स और 71 लिखा गया है। रेगुलर स्लीव वाले टी-शर्ट्स ऐसे भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड डेफिनेटली देखो, कुछ ब्रांड्स है ना जैसे कि बॉन्कर्स कॉर्नर या अर्बन मंकी या द सोल स्टोर, ये सारे जो टी-शर्ट्स बनाते हैं ना ऑल ओवर पैकेज में, वो सारे ही अच्छे होते हैं। सबका ना बस अपना जॉनर अलग अलग है, कोई किसी वे में बना रहा है, कोई किस वे में बना रहा है, कोई किस वे में बना रहा है, लेकिन मैं जितना भी देखता हूँ ना आसपास या जितना भी ट्रैवल करता हूँ, तब मैं नोटिस करता हूँ तो बॉन्कर्स कॉर्नर के टी-शर्ट ना मैं बहुत लोगों को पहने हुए देखता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट
टी-शर्ट आ गया हमारे पास में एक बड़े से अमेजिंग वीडियो के एंड हम यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो चली गई मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खतरनाक खतरनाक वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर खतरनाक डील शेयर करते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे। अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं हो बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगेन अगर कलर की बात करें थोड़ा सा फेडेड ग्रे ब्लैक टाइप का ना रॉ टाइप का लुक ऐड करता है अच्छा लगता है। प्रिंट्स की बात करें तो यहाँ पर ना भाई बहुत अलग टाइप की कारीगरी की गई है। ओवरऑल देखने में लगेगा कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर बी लिखा हुआ है सिर्फ बॉन्कर्स, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो राइट साइड पे आपको यहाँ पर एक्स देखने को मिलेगा। एक तरफ फ्लावर्स बने हुए हैं, एक तरफ राउंड राउंड है और बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंट्स है और वो सारे प्रिंट्स इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक कलर में है। और वहीं अगर इसके बैक में भी देखोगे ऊपर में आपको ऐसे चीसी मिसी एग देखने को मिलता है, मतलब ऐसा करके घसटा हुआ है और यहाँ पर एक बस आईज देखने को मिलेगा दो। लेकिन ध्यान से अगर लाइट को इधर उधर करके देखोगे ना तो लिखा हुआ है गो बॉन्कर्स, बीच में एक बटरफ्लाई बनी हुई है, साइड में एक सर्कल है और यहाँ पर एक बिल्ली ऐसे खसोड़ते हुए लटक रही है। लेफ्ट वाले स्लीप पे भी आपको अगेन यहाँ ब्लैक कलर से प्रिंटिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद दूसरी तरफ है एक फ्लेम बना हुआ। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो, बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन, बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट और ये बस एक इतना थोड़ा सा ना प्रसाद है समझ लो इस वीडियो में जो हमने 12 टी-शर्ट्स आपको दिखाए हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।